एक पत्रकार जिन्हों समस्यावं आ रही ने, एक तो समय दियाँ धक्का करन वालियां हुकूमतां दे वल्लों एक बिरतांत खड़े किए जाते हैं। वो जिहड़े बिरतांत खड़े किए जाते हैं गलत किस्म के, उन्होंने तोड़न वास्ते जिहड़े पत्रकार मूहरे आउंदे आ, एक उन्होंने समस्यावं आउंदियां ने, कुछ उस तो भी ज़्यादा समस्यावं उन्होंने आउंदियां ने जिहड़े उस बिरतांत नू तोड़ के फिर अपना एक सही बिरतांत सिरजण दे यतन करदे आ, उन्होंने समस्यावं आउंदियां। 35,000 हिंदुओं के कतल वाली गल बिरतांत सिरजण दा कि यतन करते हैं, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। उन्होंने कोई जदों के दुए बन्ने एक एक सिख परिवार के एक एक पिंड चल जाओगे 27-27 सिखां दे फेक एनकाउंटर तुहानूं मिलणगे। और अज भारत दीआं इन्हां ही अदालतां दे विच साडे सिख वकीलां ने जद्दोजहद करके कई अफसरां नूं सजावां भी दवाईआं ने, भावें कि किसी नूं 3 साल की सज़ा हुई, मौके पर जमानत हो गई। और जिन्हें 27 साल संघर्ष लड़िया वो बाद च घर पहुँचे, तो 3 वरे सज़ा जिन्हों हुई वो मौके पर जमानत करा के पहला घर वापस पहुँच गया, मुछां नूं ता दिंदा हां कि बीबा तू साडा की बिगाड़ लिया। सुकून इत्थे पहला सीगा पर हुण इत्थों ना मैं मतलब बड़ा एक अपसैट जिहा हो के जा रहा, मैनू ये लगता हैगा कि इत्थे गल हुई है कि एक ग्रुप तैयार किया जाऊँगा पत्रकारां दा वधिया जिन्हां नूं समस्यावां आ रही। मैनू ये लगता पिया हैगा कि साडे वर्गे जिहड़े पत्रकार वा ना, सानू तो शायद उस ग्रुप तो हट के फिर एक ग्रुप नवा तैयार करना पवेगा, क्योंकि साडा दर्द इत्थे नहीं सुनिया जाना। हुण इत्थे गिला किया कुछ पत्रकारां ने, उह कहिंदे कि साडे परसों पेज बंद होए आ, साडे वास्ते कोई नहीं बोलिया। मैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहना कि मेरे छोटे वीरों भैनों के थोड़े कल बे बंद हुए है, साढ़े 2 वरे पहला बंद हुए है। पैगासस 1,25,00,000 रुपया एक बंदे दे उपर खर्च कर दी है सरकार, उस पैगासस राही जसूसी करवानी होवे तां, सो असी वो पीड़ित हो रहे हैं। एक इत्थे बहुत ज़्यादा सीनियर पत्रकार है, मैं धन्यवाद करदा उन्हां दा, उन्होंने एक लफ्ज़ बोलिया सी, कहिंदे भई जां फिर पत्रकार ना कोई होर काम करन लग पैण, गर्मियां शुरू हो जाने जी साडे पंजाब दे विच। हुण मैं उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा कि भाई असीं जिन्ना चिर हैगे आ उन्ना चिर इस माइक दे जरिए बोलांगे, असीं चुप नहीं करन वाले। हुण मोहरे गर्मियां आ जाणियां, हदवाणे आ जाणे आ ते खरबूजे लोकां ने खाणे, असीं सड़क दे बन्ने ते उह नहीं लाउणे हैगे। जे लाउण दी नौबत पै भी गई तां असीं माइक फिर भी नहीं छड्डांगे, असीं बोलांगे जरूर। और जिहड़ी आ एकत्रता हो के हटी आ, मैनूं गिला आ कि जिन्हां ने बुलारियां दीआं लिस्टां बणाईआं सीगीआं उन्हां ने पता नहीं कितें, मैं खदशा जाहिर करदा कितें इह तां नहीं हैगा कि पंजाब दे विच इक उह सियासी पार्टी जिहड़ी केवल 3 सीटां ते सिमट के रहि गई है, उस वेले भी धक्के हुंदे सीगे, कैप्टन सरकार वेले भी धक्के हुंदे सी, कांग्रेस वेले भी धक्के हुंदे सीगे, अज दी जिहड़ी सरकार हैगी आ अज भी जे धक्के हो रहे आ। हमेशा आवाज़ बुलंद कर रहा भी अकाल तख्त की सिरजना ही इस करके हुई है, ये जो थोड़ी जिहड़ी पार्टी तुसीं अक्सर ये गल कहिंदे हुंदे हो, मैं तो हुण कई बार कहना कि जो साडे वर्गियां नूं सपोर्ट करन भी लग पण साडे मोढ़िआं ते खड़ भी जाण ते साडे लई तां इहनां दे खिलाफ़ गल करनी औखी हो जूगी। इन्हां ने भी सानूं धक्क देना दुए बन्ने नूं, पाओ इत्थे भी केस पाओ लम्मा इन्हां नूं, भई ये तो साडे खिलाफ़ भी बोलदे आ ना। सो वह जिहड़ी पार्टी हैगी आ तुसीं जिहनूं जदों हार जांदी आ तुसीं कहिंदे कोई पंथ दा लक टुट गया, एक सियासी पार्टी अकाली दल बादल की आपां गल करदे आ, हुण बादल दे जे आपां गुनाउण लगीए गुनाह ते मैनूं लगदा कि गुनाउण की लोड़ नहीं हैगी, तुहाडे अदारे ते जिन्ने लोग जुड़े आ सारे बड़े समझदार हैगे आ, उहनां नूं सारिआं नूं पता ही हैगा उस लिस्ट का। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। गुरबाणी खंडबाणी देख रही देश विदेश दी सारी संगतां दा मैं प्रीत सैनी स्वागत करदा। पिछे तुसीं पढ़ सकते हो कि अज श्री अकाल तख्त साहिब जी वल्लों जी दी सरप्रस्ती विच सद्दी गई सी एक वड्डी एकत्रता, क्यों? क्योंकि पंजाब दे विच पंथक मीडिया का घाण किया जा रहा है, चैनल बंद किए जा रहे हैं, पत्रकारों के घरों के पुलिस भेजी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, पत्रकारों के उत्ते 307 तक के परचे हो गए आ, पत्रकार जेलों के ने। इस सब मसले से पहला गल करते हैं साढ़े भुपिंदर सिंह सज्जन ने, जो एक सीनियर पत्रकार असं कह सकते हैं कि बड़े लंबे समय तो, पर चैनल इन्हों का भी बैन आ इंडिया के, तो हूँ असं कह सकते साडा भी चैनल बैन लिस्ट के आई चुके हैं, की कहोगे इस चीज़ को लैके? हाँ जी, सब तो पहला तो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। इदा जी, मेरे ना हुण पहला मन च ख्याल आ रहा है कि तुसीं मेरे नाल गल कर रहे हो भी अपनी गल जाऊंगी भी लोगों तक जां नहीं, क्योंकि इत्थे भारत विच ते साडे अदारे बैन किए जा रहे, तुहाडा भी बैन कर दिता, बिल्कुल। तो जिदन तुसीं मैनूं दस्या सी जां मैनूं पता लगा कि तुहाडा अदारा बैन करता, तो मैनूं बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि असीं पहलां तो ही 2.5 साल तो उह संताप झलदे आ रहे हां, तो मैनूं तो हुण लगदा ही नहीं हैगा कि साडा इत्थे बैन किया आ, नॉर्मल जिहा लगदा हैगा आ। सो इतें कभी पैगासस लाई जाती हैगी कि जोड़े भारत के 40 पत्रकार उन्होंने पंजाब के 2 जने उन्होंने एक मैं हैगा, सो आ सारा कुछ आप इतने झलते पे हाँ।
सो जी अज की इतने एकत्रता हुई है, जो एकत्रता बारे पता लगा सगा तो मन में बड़ा एक सुकून मिलया, एक बड़ी खुशी मिली कि चलो अकाल तख्त साहब के जथेदार जिहड़े इन्हां नूं मंनदे आ जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं, एक तो चब्बे सरबत खालसा होया सीगा, जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा नज़रबंद तिहाड़ जेल दिल्ली भी वह हैगे ने, भी चलो जे ये कार्यकारी हैगे ने इन्हां दी गल जिहड़ी आ उह जांदी आ लोकां तक सुनी जांदी आ और इन्हां दी गल मन्नी जांदी आ कोई असर रखदी है, भी चलो इन्हां ने एक एकत्रता सद्दी है तो बहुत एक चंगी गल होऊंगी, सानूं एक वधिया प्रोटैक्शन मिलूंगी ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਾਈ ਚਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਵੀਰ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਵਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਚੈਨਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਲੇ ਲੱਖ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 5-5, 10-10 ਇੰਪਲੋਈ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਤੇ, ਚੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਰੋਣ ਹੱਕ ਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ 1430 ਅੰਗ ਸਾਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, 22 ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਸ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੰਬਰ 1 ਉਦਾਹਰਣ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ RTI ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ 98 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਿਕਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਖਣ ਕਿ 200, ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ 300 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
खाड़कू संघर्ष के दौरान वह कहते कि 35,000 हिंदुओं का कतल कर दिता गया। असी उन्होंने ये गल कहने कि तुम जे 35,000 हिंदुओं की लिस्ट थोड़ी बहुत लैओ 500 की लिस्ट लैओ पर इदा का कुछ भी नहीं है। 35,000 हिंदुओं के कतल वाली गल वो वृतांत सिरजण का एक यतन करते हैं, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है उन्होंने कोई जदों के दुए बन्ने एक एक सिख परिवार के एक एक पिंड चल जाओगे 27-27 सिखां दे फेक एनकाउंटर तुहानूं मिलणगे। और अज भारत दीआं इन्हां ही अदालतां दे विच साडे सिख वकीलां ने जद्दोजहद करके कई अफसरां नूं सजावां भी दवाईआं ने, भावें कि किसी नूं 3 साल की सज़ा हुई मौके ते जमानत हो गई। वो जिन्हें 27 साल संघर्ष लड़िया वो बाद च घर पहुँचे ते 3 वरे सज़ा जिन्हों हुई वो मौके ते जमानत करा के पहला घर वापस पहुँच गया, मुछां नूं ता दिंदा हां कि बीबा तू साडा की बिगाड़ लिया। सो एक नैरेटिव उन्हां वल्लों सिर असी उस नैरेटिव नूं भन्न के ते एक सही नैरेटिव सिरजण की कोशिश करते हैं, सानूं समस्यावां आउंदियां। हुण जिहड़ी आपां इकत्रता दी गल करदे सीगे सकून इत्थे पहलां सीगा पर हुण इत्थों ना मैं मतलब बड़ा एक अपसैट जहा होकर जा रहा, मैनू ये लगता है कि इतने गल हुई है कि एक ग्रुप तैयार किया जाऊँगा पत्रकारों का वधिया जिन्हों समस्या आ रही। मैनू ये लगता पाया है कि साढ़े वर्गे जोड़े पत्रकार वा ना सानू तो शायद उस ग्रुप तो हट के फिर एक ग्रुप नवा तैयार करना पेगा क्योंकि साडा दर्द इतने नहीं सुनया जाना। हुण इतने गिला किया कुछ पत्रकारों ने, वो कहें कि साढ़े परसों पेज बंद हुए हैं साढ़े वास्ते कोई नहीं बोलिया। मैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहना कि मेरे छोटे वीरो भैनों कि थोड़े कल बे बंद हुए है साढ़े 2 वरे पहला बंद हुए है। पैगासस 1,25,00,000 रुपया एक बंदे उपर खर्च कर दी है सरकार उस पैगासस राही जसूसी करवानी हो। सो असी वह पीड़ित हो रहे हैं। एक इतने बहुत ज़्यादा सीनियर पत्रकार है, मैं धन्यवाद करता उन्हों का, उन्होंने एक लफ्ज़ बोलिया कहें भी जा फिर पत्रकार ना कोई होर काम कर लग पैण रेहड़ी ला लैने हुण मूहरे गर्मियां शुरू हो जाणी जी साडे पंजाब दे विच। हुण मैं उन्हां नूं भी कहना चाहुंदा कि भाई असीं जिन्ना चिर हैगे आ उन्ना चिर इस माइक दे जरिए बोलांगे, असीं चुप नहीं करन वाले। हुण मूहरे गर्मियां आ जाणियां, हदवाणे आ जाणे आ ते खरबूजे लोकां ने खाणे, असीं सड़क दे बन्ने ते उह नहीं लाउणे हैगे। जे लाउण दी नौबत पै वी गई तो असी माइक फिर भी नहीं छड्डांगे, असी बोलांगे जरूर। और जिहड़ी एकत्रता होकर हटी आ मैनूं गिला आ कि जिन्हां ने बुलारियां दीआं लिस्टां बणाईआं सीगीआं उन्हां ने पता नहीं कितें, मैं खदशा जाहिर करदा कितें ये तो नहीं हैगा कि पंजाब दे विच एक वो सियासी पार्टी जिहड़ी केवल 3 सीटां ते सिमट के रह गई है, उस वेले भी धक्के होंदे सीगे, कैप्टन सरकार वेले भी धक्के होंदे सी, कांग्रेस वेले भी धक्के होंदे सीगे, अज दी जिहड़ी सरकार हैगी आ अज भी जे धक्के हो रहे आ, जिहड़े इकट्ठ हुण अज करन दे यतन किए जा रहे ने ये पहलां क्यों नहीं यतन किए गए। अज जथेदार साहब ने इत्थे ये गल आखी आ, वो कहिंदे कि अकाल तख्त साहिब हमेशा आवाज़ बुलंद कर रहा, अकाल तख्त की सिरजना ही इस करके हुई है। ये जदों थोड़ी जिहड़ी पार्टी तुसीं अक्सर ये गल कहिंदे हुंदे हो, मैं तो हुण कई बार कहना कि जो साडे वर्गियां नूं सपोर्ट करन भी लग पैण साडे मोढ़ियां ते खड़ भी जाण ते साडे लई तां इहनां दे खिलाफ़ गल करनी औखी हो जूगी। इन्हां ने भी सानूं धक्क देना दुए बन्ने नूं, पाओ इत्थे भी केस पाओ लम्मा इन्हां नूं भई ये तो साडे खिलाफ़ भी बोलदे आ ना। सो वह जिहड़ी पार्टी हैगी आ तुसीं जिहनूं जदों हार जांदी आ तुसीं कहिंदे कि पंथ दा लक टुट गया, एक सियासी पार्टी अकाली दल बादल दी आपां गल करदे आ, हुण बादल दे जे आपां गुनाउण लगीए गुनाह ते मैनूं लगदा कि गुनाउण दी लोड़ नहीं हैगी। तुहाडे अदारे ते जिन्ने लोग जुड़े आ सारे बड़े समझदार हैगे, उहनां नूं सारिआं नूं पता ही हैगा उस लिस्ट दा। सो उस वेले इक खदशाचार हुंदा हैगा भी कितें आह सारा कुछ जिहड़ा हैगा आ उहनां नूं इक तरह ऑक्सीजन वाला एक सिलंडर जिहड़ा यूनिट तैयार होएगा, कितें उह सिलंडर तां नहीं होएगा जिहड़ा सिलंडर उहनां नूं ऑक्सीजन देण दा काम करूँगा। साडी स्थिति कित्थे आ, एक सवाल आम लोकां मूहरे भी आ, तुसीं भी पत्रकार हो मैं भी पत्रकार हाँ, यह सवाल तो कितने कितने मेरे जहन दे विच भी हैगा कि जिद्दां पंजाबी लोक चैनल बंद होया, टी एफ न्यूज़, भुल्लर न्यूज़, मेरा चैनल बंद होया, सारे पासे चक दिता गया, ठीक है जी। तो हुण सीधी जी गल है भी कमर साडी असीं चाहे जाहिर करिए ना करिए बट किसी ना किसी पासों साडी कमर टुटदी है, हिम्मत भी टुटदी है। एक गल होर मैं जरूर कहनी चाहूँगा, असी ना कई बार इदा उम्मीद करते हैं कि मेरे नाल धक्का होया मेरे नाल वधीकी होई तो कोई आ के साडा दर्द सुन वास्ते आवे, मैं पर यह गल कहनी चाहना कि असी इन्ने ज़्यादा पीड़ित है कि असी अपना दर्द आप ही बयान कर लीदा। मैं पैगासस वाला जदों होया सीगा ना जी, मैं अपना दर्द आप बोल के बयान किया, गल एडी भी कोई नहीं हैगी, ये नहीं हैगा कि कोई साडी बात पुछण आऊँगा तो ताही। तो जिहड़े धक्का करन वाले हैगे आ उन्हां नूं भी एक गल आपां जरूर कह देनी चाहुंदे हैगे आ कि तुसीं भावें जिन्ना मर्जी धक्का कर लो, पैगासस मीन की हैगा, क्या फोन हैगा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फोन बंद कर लो, इहदी आवाज़ सारा कुछ जिहड़ा हैगा उन्हां दे कोल जा रिहा। मैं तो कई बार जदों बाथरूम दे विच खड़ा हुंदा ना जी, जे फोन मेरी जेब दे विच होवे
तो मतलब संघ आती है भी सूसू की आवाज़ भी सुनते हो खड़े होकर वह मतलब इन्नी ज़्यादा जी प्राइवेसी आई गैर कानूनी है ये जो सॉफ्टवेयर हैगा इजराइल का सॉफ्टवेयर आ और किसी भी मुल्क की सरकार ही बेचा जाता वो प्राइवेट किसी को भी सौंपया नहीं जाता है वह सॉफ्टवेयर सो उसके राही जसूसी करवाई गई हैगी पंजाब की सरकार ना उस वेले की सरकार बोली उस वेले तो सरकार किसी होर दी सी ना जी तो ना ये जथेदार उस वेले बोलते हैं और तुसी वैसट बंगाल दे विच चल जाओ ममता बैनर्जी की सरकार उत्थे उत्थों दी मुख्यमंत्री वह जिहड़े उत्थों दे पत्रकार एक जां शायद दो सीगे उन्हां दे हक दे विच बोले बोले ही नहीं देश दे प्रधानमंत्री मोदी होरां दे कोल जाके बह के सोफे ते गल करके आए आ इत्थे ही नहीं होया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ने और सुप्रीम कोर्ट पार्लीमेंट दे विच भी इस गल दा रौला पैंदा हैगा पर साडे नाल कोई खड़दा ही नहीं हैगा असीं आप ही एक दूजे दे नाल खड़दे आ सो मैं तुहानूं कह सकदा कि वीर मैं पीड़ित हाँ मेरा दर्द वंडाउण वास्ते आ जाइओ मैनूं कोई शर्म नहीं हैगी नहीं भी कोई आएगा मैं अपना दर्द आप जिहड़ा हैगा बयान कर लूँगा पर असीं उहनां नूं जरूर कह देना चाहुंदे हां कि सारा कुछ झल लिया पिछे बहुत कुछ झलिया हैगा अज भी डटे हुए हैं कल भी डटे रहांगे जिहड़े पत्रकार वीर ने सलाह दी सी सीनियर ने कि कोई होर काम कर लो जिहा हदवाणियां दी रेहड़ी भी लाउण लग पए ना जे इधरों इनकमिंग बंद हो जूगी सारा कुछ बंद हो जूगा हदवाणियां ते खरबूजियां दी रेहड़ी तुसी जरूर खा के जायो साढ़े कोलों उत्थे भी असी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे पत्रकारी उदों भी नहीं छड्डणी ते अंत दे विच मैं यही कहांगा कि जथेदार साहब ने मीटिंग सद्दी चंगा लग्या ते होर चंगा लगेगा जे इहदे विचों मजबूत संजीदा सिट्टे देखण नूं मिलण क्योंकि सिट्टा के निकलता है गल उत्थे आके मुकदी है जिहड़े जिहड़े अदारे मैं अपने वल्लों बेनती करदा जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं वी जिहड़े जिहड़े अदारे बंद होए आ जिन्हां दे पेजिस डिलीट कर दिते गए ने चक दिते गए ने जिन्हां दे उत्ते परचे होए ने जिदा दो पत्रकारां उत्ते परचे होए ने एक हरपाल सिंह मखू दे उत्ते होया है जसवीर सिंह सस्तेवाला दे उत्ते परचे होए ने 307 दे परचे कीते ने ते उन्हां दी को मतलब उन्हां दी जिम्मेवारी चक्की जावे उन्हां दे परचे रद्द करवाए जाण जिहड़े जिन्हां ने चैनल हाल ही दे विच शुरू कीते सी जिहड़े पत्रकारी दे खेत्र च जस्ट आए सी जिन्हां ने बहुत वड्डे वड्डे नैरेटिव तोड़न दे विच पंजाब दी मदद कीती है जिहड़े पंजाब नूं बदनाम करदे सी कदी अत्तवादी कह कदी वक्खवादी कह जिहड़े कहिंदे सी कि पंजाब नशेड़ी हो गया मुक गया जिहड़े चैनलां ने प्रजेंट कीता दिखाया कि नहीं नशेड़ी नहीं है पंजाब अजे भी पंजाब की रूह जागदी है ते दिल्ली जित के आए हैं उन्हां चैनल की सपोर्ट तुसीं किस तरीके नाल कर रहे हो ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਂਕਰਸ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੇ ਆਹ ਖਬਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ